हरे कृष्णा राधे राधे सभी भक्तों को। तो सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को आज के लड्डूमार होली के दिन आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं श्री राम बरसाना से। और आप सभी भक्त लोग ये देख रहे हैं श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर बरसाना, जो कि बरसाना में है। और आज श्री लड्डू होली के दिन बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन आप सभी भक्तों को कराएंगे। तो आप सभी भक्त लोग पूरा अच्छे से दर्शन करिएगा श्री राधा कुंज बिहारी जी के। और ये फ्रंट है, आप सभी भक्त लोग देख सकते हैं ये पूरा। और अभी आप सभी भक्तों को अंदर ले कर चलते हैं, आज दर्शन करिए श्री राधा कुंज बिहारी जी के। किशोरी इतना तो की जो जी को जंजाल छुनावे। बस इधर ये सब गुब्बारा लगा रखे हम लोग पूरा अच्छे से। और आज आपको अंदर से पूरा दर्शन कराते हैं श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर के। तो आप सभी भक्त लोग कमेंट में राधे राधे लिखते रहिएगा। आइए आप सभी भक्तों को राधे राधे माता जी, राधे राधे। काफी भक्त लोग भी आए हुए हैं। और आज का ये दर्शन है श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर बरसाना के। और कल लठमार होली के दिन हम लोग ठाकुर जी को 56 भोग लगाएंगे, तो आपसे भक्त लोग जरूर दर्शन करिएगा। बोलिए राधे राधे हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी भक्त लोग दर्शन करिए। और आप सभी भक्त लोग अगर आए हैं श्री राम बरसाना लड्डू होली पे लठमार होली पे, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सभी भक्त लोग भी यहाँ आ सकते हैं श्री राधा कुंज बिहारी जी के दर्शन करने। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ये पूरा मंदिर का जो एड्रेस है मैंने वीडियो में बता रखा है। और आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये नंदगांव रोड है बरसाना देहात नियर HDFC बैंक राड़ा की प्याऊ पेट्रोल पंप। तो ये आपको दर्शन मिलते हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पे ठाकुर जी के। बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज काफ़ी संख्या में भक्त लोग सीधाम बरसाना लड्डूमार होली के दिन लठमार होली के दिन पधार रहे हैं। राधे राधे माता जी, कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत। कितने दिन से रह रही हैं राधा कुंज बिहारी मंदिर में? एक हफ्ते से। अच्छा लगा पूरा? प्रसाद कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा। अच्छा, तो कितने पूरा कितने दिन का टूर बना के आई हैं बरसाना के लिए? एक हफ्ते का। रहिए यहीं पे, बास करिए। यहाँ जब एक बार किशोर जी खींच लेते हैं ना भक्तों को, फिर जाने की जी, जरूर। अंदर लालसा ही नहीं होती है। बहुत सुंदर। हमारे भक्तों को क्या बोलना चाहेंगे? वो लोग कैसे आ सकते हैं यहाँ पे? जब उनकी इच्छा हो, मन हो, राजा रानी उनको बुलाएं जी, क्योंकि बिना ठाकुर जी की इच्छा के तो कोई यहाँ आ ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे माता जी। तो एक बार फिर से आपको पूरा बाहर से दिखाते हैं। एक बार ना आपको पूरा दिखाते हैं रोड पे अंदर ले जाके कि यहाँ पर भक्त लोग कैसे कैसे सेवा करते हैं। जैसे जो भक्त लोग पैदल चलते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ अंदर नहीं आती हैं, गाड़ियाँ कई किलोमीटर रोक दी जाती हैं। तो यहाँ पर आपसे भक्त लोग देख सकते हैं काफ़ी संख्या में भक्त लोग पैदल ही चलते हैं। और श्री राम बरसाना ऐसे ही पैदल चलते चलते लालडी जी के महल तक, सीढ़ियों तक, और इस लड्डूमार होली और लठमार होली का आनंद लेने के लिए कितना कष्ट करते हैं सभी भक्त लोग। और यहाँ पर
मतलब 36 घंटे। तो बोलिए राधे राधे। अगर आप सही भक्त लोग भी लक्ष्मी मारोली पे आना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी भक्त लोग देख सकते हैं श्री बिल्कुल बरसाना आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और प्रभु जी लोग राधे राधे। प्रभु जी राधे राधे। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं गुड़गांव से। गुड़गांव से हो गए दर्शन किशोरी जी के? लड्डू मारोली का आनंद लिया? आनंद सारे आनंद ही आनंद है। वहाँ पर अभी टाइम अलग है ना? अच्छा अच्छा, तो लठमार होली का आनंद नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। अच्छा होली तो हैं कल कल हो गया 18, आज लठमार होली होगी। यही अब जो ना 4 से 6 बजे तक चलता है, फिर तो उसके बाद अंदर ले लेते हैं भक्तों को। बोलिए राधे राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे राधे मित्र। कैसा लग रहा है आज सीधाम बरसाना आज तो आके? समझ लीजिए स्वर्ग धरती पे उतर आया है। इतनी अच्छा। अच्छी रौनक मैंने पिछले कई सालों से नहीं देखी। आज ऐसा लगता है मोक्ष यहीं पे है। बिल्कुल यहीं बिल्कुल। पे आनंद है, यहीं पे तो प्रभु जी बरस रही है। कैसे आना हुआ सीधाम बरसाना राधा कुंज बिहारी मंदिर में? राधा कुंज बिहारी मंदिर को कौन नहीं जानता, जो भी बरसाना वृंदावन आता है राधा कुंज बिहारी मंदिर के लिए लालायित रहता है। और राधा रानी का जब दर्शन होता है तो अगर बात आती है आश्रम की, वहाँ के प्रसाद की बात आती है तो सभी के जुबान पे एक ही नाम आता है और वो है राधा रानी। राधा कुंज बिहारी मंदिर, श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर। मैं वहाँ के सभी जितने भी व्यवस्थापक हैं, मैनेजर हैं, यहाँ तक कि जो खाना पकाने वाले सुनील प्रभु जी हैं, इतना सुंदर प्रसाद बनाते हैं कि मैं तो बहुत मंत्रमुग्ध रहता हूँ। बहुत बहुत राधा रानी ऐसे लोगों को बहुत तरक्की दें। बहुत ही शुभ विचार हैं प्रभु जी आपके हमारे श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर के प्रति, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो हमारे ठाकुर जी का कैसा, मतलब आपका यहाँ पर कैसा आज लगा आपको दर्शन करके? जी की ऐसी छवि है। हाँ, एक बार सुंदर ढंग से सजाया गया है ठाकुर जी को कि आहा हा हा ना, जैसे लग रहा है कि साक्षात कुछ बोल देंगे। हाँ, देखते ही मतलब एक काता लगा रहता है ना। दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, नोएडा से, न जाने कहाँ कहाँ के भक्तों का पूरा सैलाब यहाँ पे रहता है। काफी दूर दूर से भक्त यहाँ, जर्मन से भक्त लोग रुके हुए। जर्मनी से भी आज एक माता जी आई जो रुकी थी। तो ये बाकी काफी श्रद्धा, मतलब श्रद्धा रहती है मतलब भक्तों के प्रति इस पर्व को लेके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मंदिर के जिन निर्माणकर्ता श्री श्रीवास दास जी महाराज हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सिद्ध पुरुष हैं, इन्होंने अमेरिका में राधा कुंज बिहारी मंदिर की स्थापना की है, नेपाल में नेपाल वृंदा धाम की स्थापना की है, बिहार में खडिहा में इन्होंने मंदिर बनाई है। तो इनका जीवन का उद्देश्य ही है जगह जगह पे मंदिर बनाना। महाराज जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने शादी नहीं की है, जितना भी पैसा इकट्ठा सब धर्म के काम में लगाया उन्होंने, सब धार्मिक कार्यों में लगाते हैं, परमात्मा में लगाते हैं। आज ये महाराज जी ने बनाया है, इतने भक्त लोग आते हैं, रुकते हैं, प्रसाद पाते हैं, जो सेवा देते हैं वही लिया जाता है भक्त। साम्राज्य खड़ा होता है, बिल्कुल धार्मिक साम्राज्य खड़ा होता है। मैं आज इस पावन धरती से, ब्रज की इस पावन धरती से मैं महाराज जी के उत्तम भविष्य की कामना करता हूँ, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, उनके आनंद के लिए कामना करता हूँ, और सभी जनमानस के लिए, सभी धार्मिक लोगों के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय संस्कृति। बोलिए राधे 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 राधे। और प्रभु जी कुछ भक्त लोग ऐसे हैं जो कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं, नहीं आ पाते हैं, उनके बारे में क्या कैसे बोलना है? मैं यही कहूँगा कि यहाँ लाइव दर्शन होता है, कृपया दर्शन करें। और भगवान तो कहीं भी ध्यान करने से पहुँच जाते हैं। इतनी भीड़ों का तांता लगा है, भगवान को सब पता है, पता ईश्वर की कृपा से मिलता है। अगर सभी भक्त एक साथ अगर बरसाना धाम में आ जाए तो प्रशासन को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी सारी व्यवस्था मैनेज करने के लिए। आज देखिए SSP है, DM है, सारे इंस्पेक्टर थाने के हैं, सारा का सारा पूरा प्रशासन लगा हुआ है ना, तब जाके भीड़ मेंटेन हो पा रही है। तो आप ये समझिए कि अगर सभी भक्त आ जाते तो क्या होता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, प्लीज से हेलो एंड
please say something about this program and this festival. Hello, I'm Michelle from Germany, and I like the whole here very much. How you feel in Barsana? I'm feeling so good. So good music, so nice people, so good food. I'm happy. How good with you? Okay, what is your opinion about this ashram? What is your opinion about this ashram? I arrived here, so I can't say so much about it. You are excited so much over And I can't say so much about it because I arrived and then my practicing said go. Please focus your ideas on color, festival of color, Holi. Barsana Holi is especially famous all around the world. What is your opinion about this? I'm so overwhelmed because there's so many people, there are so many colors, there are there's free fruit on the streets. I'm very हमारे भक्तों को कुछ समझ में ना आए पर इतना जरूर आ रहा है कि माता जी कितनी आनंद में आज के इस होली के पावन पर्व पे I'm from Hamburg. There's also some kind of holy festivals, like a festival with techno music, and then one time per hour, all the people throw colors in the air. Yeah, but it's not like a street festival like here. So we welcome on the very holy place of India, this Barsana Braj Dham. Thank you very much for coming in our interview. Will you Radhe Radhe, speak Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Hare Krishna. Radhe Radhe, Goddess Radhe Radhe. Radhe Radhe. Okay. So we say Radhe Radhe. Okay. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe, bye bye. Radhe Radhe. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका. आप जैसे भक्तों की वजह से माता जी के बारे में कुछ आप बता पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. राधे राधे. राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम. अरे अगर आपसे भक्त लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली दर्शन करने के लिए आपसे भक्त लोग हमारे मंदिर को फॉलो करिए. और आप लोग आते हैं यहाँ पर तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कुछ भी पूछ सकते हैं. बोलिए राधे श्याम हरे कृष्णा.